इवनिंग। आज हम दो और चीजें देखने वाले हैं। एक पहले द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, ये पॉइंटर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि डील करता है स्टोरेज लोकेशन के एड्रेसेस से। अगर हम यहाँ लिखते हैं अपने प्रोग्राम में इंट के एम फ्लोट एक्स वाई चार से टी, तो आपको मालूम है कि मेमोरी अलोकेट हो जाएगी इन लोकेशंस को जब हम कंपाइल करेंगे। तो टिपिकली कैसे मेमोरी अलोकेट होगी, ये के की मेमोरी पहले अलोकेट हो जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए के है, तो इसके कितने बाइट्स अलोकेट होंगे के को, चार बाइट्स, क्योंकि चार बाइट का इंटीजर नंबर बनता है। ओके, फिर एम के भी चार हो जाएंगे, ये एम हो जाएगा। इसी तरह से एक्स के चार हो जाएंगे, फिर उसके बाद वाई के चार हो जाएंगे। अब ये टी बचा, टी क्या है, कैरेक्टर। एक कैरेक्टर वेरिएबल को कितना मेमोरी लगता है, एक बाइट, क्योंकि 8 बिट का होता है ASCII कोड, तो इसके लिए एक बाइट खाली यहाँ पे रहेगा, वो रहेगा टी। ऐसी मेमोरी अलोकेट हो जाएगी अंदर। नॉर्मली ये मेमोरी अलोकेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपना हिसाब करते हैं के एम एक्स वाई से एक्स इक्वल टू 25 वाई इक्वल टू 38, वो अपने आप वैल्यू इंटरनली ट्रांसफ़र करके इसमें रख देंगे। लेकिन कई बार हमें वो उस किस मेमोरी लोकेशन पे क्या रखा है उसको डायरेक्टली एक्सेस करने की अगर गरज पड़ी, वो मैं बताऊंगा क्यों गरज पड़ेगी, तो उसके लिए हमें इसके एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती। ये मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, ये एड्रेसेस बिल्कुल जीरो से चालू होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाते हैं। मान लीजिए ये हो गया 1000, तो ये हो जाएगा 1001, 1002, 1003, 1004, 5 6 7 8 9, ऐसे होते जाएगा। ये एक एक बाइट का एड्रेस है, एक बाइट का एक नंबर एड्रेस है, घर नंबर, इतने घर। अभी इसका एड्रेस क्या होगा टी का, आप बताएं, टी का मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 1000 1017 या 6। देखिए सोचिए, 1000 ये है, 4 बाइट का है, तो अगला स्टार्टिंग एड्रेस जो है 0 1 2 3 होने के बाद में ये 4 रहेगा, और 4 बाइट जाएंगे तो अगला एड्रेस 8 रहेगा। तो जाहिर है कि 4 4 के मल्टीपल में नेक्स्ट एड्रेस होगा, तो जो पुराना इसके पहले वाला जो ख़त्म हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, यानी 4 चौक 16 बाइट हो गए। तो 1000 से लेके 1015 तक इसमें वाई आ जाएगा, तो इसमें ये 1016 होना चाहिए, ठीक है, ऐसे मेमोरी अलॉकेट। मान लीजिए इसके आगे हमने लिखा, एक और कैरेक्टर डिक्लेयर कर दिया A20। अब ये A20 जो है इसका क्या मतलब हुआ, एरे है 20 एलिमेंट का, हर एलिमेंट कितना बाइट लगेगा, 1 बाइट, क्योंकि हर एलिमेंट कैरेक्टर है। तो A20 के अलग अलग एलिमेंट्स के एड्रेसेस क्या होंगे बताएं, 1017 में होगा A0, ठीक है, 1018 में होगा A1, और इस तरह से ये चलता जाएगा हिसाब। A का आखिरी एलिमेंट क्या होगा, A19 का एड्रेस क्या होगा, बोलिए, 1036 होगा या 35 होगा, पक्का, ठीक। यह हमें नॉर्मली कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है। अभी आज हम देखें मेमोरी में तो ऐसा अलोकेट हो गया,
कल को अगर हम रन करें प्रोग्राम हमारा, तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें मेमोरी दे, जब हम बोलते हैं ./a.out, तो अपना प्रोग्राम लोड होता है अंदर मेमोरी, उस समय हो सकता है कि कंप्यूटर अपने को 20,000 से चालू करे मेमोरी देना, तो यही लोग 20,000 20,001 पे जाके चले जाएंगे। तो हर समय जब एग्जीक्यूट करते हैं तो मेमोरी लोकेशन एक्चुअली बदल सकते, लेकिन एक बार इसका मेमोरी लोकेशन फिक्स हो गया तो इसका भी हो जाएगा। एक बार A0 का फिक्स हो गया तो A1 नेसेसरली उसके बाद रहेगा। यानी इसका मतलब यह है कि एक कोई अगर एरे होगा तो इसके अगर कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स जो हैं उसको एक के बाद एक ही मेमोरी अलोकेट की जाएगी, चाहे कहीं से भी शुरू हो। बाकी वेरिएबल्स के बारे में जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि M को पहले मेमोरी अलोकेट कर दे, K को बाद में करे, लेकिन एक बात पक्की है, जो भी वेरिएबल नेम है उसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस है, और जो भी एरे है उसके 0th एलिमेंट का एक मेमोरी एड्रेस है, और एरे के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसके हर एक अगले वाला जो एलिमेंट है वो कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट रहे। अब ये तो हो गया अपना नॉलेज, इसका उपयोग क्या है, क्यों ये जरूरी है, ये जरूरी क्यों? इसके लिए आपको याद होगा अपन ने फंक्शन डिफाइन किया था, ओके? कैसे एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, देखते हैं अपन। एक ये आप समझ रहे हैं फंक्शन, ये एक फंक्शन मैंने लिखा है कॉल्ड माई मैक्स का नाम है। इसके दो पैरामीटर है m और n, और अगर मैं इस फंक्शन में आ गया दो वैल्यूज लेके, तो ये फंक्शन क्या करता है, दोनों वैल्यूज के कंपैरिजन करता है, m को n के साथ कंपेयर करेगा। अगर m बड़ा होगा तो q को m बना देगा, और अगर नहीं होगा तो q को n बना देगा, और इसके बाद में ये बोलता है रिटर्न q, यानी q की वैल्यू वापस भेज दो, तो वापस क्या आएगी, दोनों में से जो भी बड़ा है वो मैक्सिमम फाइंड आउट करने का तरीका है। तो इसके बाद में हम अपने प्रोग्राम में, अगर हमारा प्रोग्राम हो इंट मेन और कहीं हमने डिक्लेयर किया ऐसे इंट के एल व्हाटएवर, और कहीं हमने लिख दिया मान लीजिए के इज इक्वल टू 28, L इज इक्वल टू 24, और उसके बाद में लिखा एक और डिक्लेयर कर देते यहाँ पे जैसे P कर दिया, और फिर बाद में लिखा P इज इक्वल टू माई मैक्स के कॉमा L, याद है ऐसा हमने किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह माई मैक्स नाम का फंक्शन है, उसको हमने इन्वोक कर दिया, उसको दो पैरामीटर भेज दिए के और एल, के की वैल्यू है 28, एल की वैल्यू है 24, ये दो पैरामीटर की वैल्यू लेके कंट्रोल चला गया अपने फंक्शन पे। अभी एम की जगह आ गया के, एन की जगह आ गया एल, और फिर वो कंपेयर होके जो रिजल्ट आएगा क्या, क्यू, क्यू की वैल्यू क्या रहेगी इस समय, 28 होना चाहिए क्योंकि वो बड़ी है, वो वापस आ जाएगी, तो पी की वैल्यू जो है 28 हो जाएगी, अगर हम सी आउट कर दें तो ये 28 आ जाए, इसे फंक्शन कॉल होता है। इस प्रोग्राम में एक चीज गलत लिखी है सिंटैक्स, बताइए क्या गलती है इसमें, सॉरी इक्वल टू कंडीशन इंप्लाइड एल्स में आ गई, अगर एम ग्रेटर देन एन नहीं है तो हम एल्स में जाएंगे। अब एल्स में दो चीज हो सकती है, या तो एम एन से छोटा है या इक्वल है,
अगर छोटा है तो क्यू इक्वल टू एन सही जवाब है, मतलब एन बड़ा है तो एन वापिस आना चाहिए। अगर इक्वल है, एम और एन इक्वल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्यू को एम लगाएं या एन लगाएं, क्योंकि हमें मैक्सिमम ढूंढना है। अगर ये दोनों मान लीजिए 25-25 है, तो कौन सा 25 वापस भेजा इसका कोई मतलब नहीं, दोनों एक ही बराबर है, कोई सा भी वैल्यू असाइन कर दो मैक्सिमम आ जाए। तो ये सिमेंटिक, ये सिंटैक्स एरर नहीं, ये सिमेंटिक एरर। अगर ये एरर होती तो उसको बोलते हैं मीनिंगफुल, मीनिंग बराबर नहीं है, ऐसी एरर होती। लेकिन यहाँ कंपाइलर ही कंपाइल नहीं करेगा, तो क्या एरर? हाँ ये देखिए, इन्होंने बराबर पकड़ा, ये जो पैरामीटर्स लिखे हैं ये तो एक्चुअल पैरामीटर है, तो हम जो वैल्यू देंगे वह यहाँ से जाएगी, लेकिन ये जो है ये फॉर्मल पैरामीटर्स पे फंक्शन में ये जगह है, प्लेस होल्डर है, वहाँ पे ये वैल्यूज आएंगी, तो उसके लिए उसको पैरामीटर का टाइप बताना पड़ता है। यहाँ पे एम और एन लिखा, क्या हो सकता है? मान लीजिए एम और एन कैरेक्टर होते तो कितनी जगह लगती उसको एक एक बाइट की, एम और एन इंटीजर है तो कितनी जगह लगेगी, चार चार बाइट। अगर एम और एन हजार हजार एलिमेंट्स के फ्लोटिंग पॉइंट एरेज है तो कितनी जगह लगेगी, चार चार हजार बाइट। ये कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? असल में इन नामों से कंपाइलर का कोई मतलब नहीं, उसको चाहिए कितने पैरामीटर है और किस टाइप के है, ताकि उतनी जगह वो रिजर्व कर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे लिखना इंट और इंट, ओके, ये इंट एम और इंट एन। ये नहीं लिखा तो कंपाइलर बोलेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये लिखने के बाद में कंपाइलर अपने आप इसमें यहाँ जगह बना देगा, क्या यह इंट एम है तो एम के लिए जगह रख देगा, फिर इंट एन है तो एन के लिए जगह रख देगा, कितनी जगह रखेगा, चार चार बाइट, क्योंकि इंटीजर है दोनों, और फिर इंट क्यू है तो क्यू के लिए भी जगह रख देगा। ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसे ये जगह आपने बना कर रख दे। अब यहाँ से जब हम कॉल करते हैं माई मैक्स के एल, तो क्या होता है, ये याद रखिए, फंक्शन कॉल करने में क्या होता है, ये जो के की वैल्यू है ये कॉपी कर ली जाती है, के की वैल्यू इस समय क्या है, 28 है, तो ये कॉपी हो जाएगी यहाँ पे 28, एल की वैल्यू है 24, ये कॉपी हो जाएगी यहाँ पे 24। अब ये प्रोग्राम चलेगा फंक्शन वाला, ये कंपेयर कर लेगा, इसके बाद वो क्यू कैलकुलेट करेगा यहाँ पे, या क्या हो जाएगा इस समय 28 हो जाएगा। ये फंक्शन में कॉपी हुई है वैल्यू, ये इस पर काम नहीं कर रहा, वो कॉपी पे काम कर रहा। अब इसके बाद जब हम रिटर्न बोलते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे बैठ जाएगी, जो माई मैक्स जो रेफरेंस किया है उसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ऐसा फंक्शन चल रहा। मान लीजिए हमने, हमको ऐसा कुछ करना है कि अगर ये दो, इसका माई मैक्स फंक्शन, या मैं दूसरा फंक्शन लिखा int इसका नाम देता हूं int arbitrary का मतलब क्या, कुछ भी फालतू, कोई मकसद नहीं है। वो arbitrary में भी मेरे दो पैरामीटर्स हैं int m int n, लेकिन यहाँ पे मैं मैक्स वैक्स नहीं निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ तो भलता ही कर रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा हूँ m इज इक्वल टू 205, n इज इक्वल टू -17, मैं यहाँ असाइन कर रहा हूँ, आर्बिट्ररी है, जो कुछ भी करूँ मर्जी है, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न जीरो, हो गया मेरा फंक्शन, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। आर्बिट्ररी है तो ऐसा क्यों किया, कुछ नहीं, मेरे को सनक आ गई कि जो भी कोई वैल्यू भेजेगा दो पैरामीटर की, मैं उनको देखूंगा ही नहीं, मैं अपने मन से एक पैरामीटर को 205 बना दूंगा, दूसरे पैरामीटर को -17 बना और वापस चला जाऊंगा। क्या वापस लेके जाऊंगा, मैं जीरो वापस लेके जाऊंगा, वो जीरो का वो क्या करेगा, उसका प्रॉब्लम है मेरा। अब मान लीजिए मैंने, मुझे तो मालूम नहीं कि ऐसा पागलपन चल रहा है यहाँ पे, किसी ने बता दिया भाई आर्बिट्री नाम का अच्छा फंक्शन है यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे इंट मेन में लिखता हूँ
और यहां पे एक सी आउट लिख देता हूं, अब मुझे बताइए कि ये प्रोग्राम रन करूंगा तो क्या होगा, यहां पे ए की वैल्यू क्या छपेगी, बी की वैल्यू क्या छपेगी, सी की वैल्यू क्या छपेगी। बताए, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 28, सी की वैल्यू 0। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, ये वैल्यू ए और बी वहां गई, कॉपी हो गई, वो किस में कॉपी हुई, ये एम में जो है वो कॉपी होके वैल्यू आ गई क्या 12, एन में कॉपी होके वैल्यू आ गई क्या 28। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन यहां एक और जगह है जो रिटर्न के लिए जो हमने लिखा नहीं है नाम, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा। ये एग्जीक्यूशन चालू हुआ, ये क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू 205, ये 12 चला जाएगा, 205 हो जाएगा, यहाँ एन इक्वल टू -17, ये चला जाएगा, -17 हो जाएगा। ठीक है, और ये रिटर्न जीरो करेगा तो ये रिटर्न वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी जीरो, ये वैल्यू वापस आएगी तो सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये तो ठीक है। अब ये ए और बी का क्या हुआ, ए और बी की वैल्यू इसलिए नहीं बदली कि फंक्शन डेफिनेशन का मतलब है कि वैल्यूज इसकी जो है वहां तो कॉपी हो जाती है लेकिन वापस कॉपी नहीं होती, इसलिए यहां कुछ भी चेंज किया तो आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मान लीजिए कि मुझे इसके रिटर्न वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं जो दो पैरामीटर्स भेजूं इसको उनकी वैल्यू वो चेंज करके मुझे वापस भेजे, ऐसा मैं चाहता हूं। ये आर्बिट्ररी नाम का जो फंक्शन है उसमें किसी ने तो भी तय कर लिया है कि पहले पैरामीटर की वैल्यू 205 होगी, दूसरे पैरामीटर की -17 होगी, और ये फंक्शन लिखने वाले ने तय किया है कि जो इंपॉर्टेंट वैल्यू, मुझे मालूम नहीं क्या वैल्यू, तो मैं वो फंक्शन को कॉल करूंगा, वो फंक्शन जो वैल्यूज लगाएगा वो मैं वापस लाना चाहता हूं। कैसे वापस लाऊंगा, दो वैल्यूज वापस, अगर एक ही वैल्यू वापस चाहिए होती जैसे 107, तो कुछ भी करके मैं उसका रिजल्ट में 107 कर देता और उसको वापस भेज देता, क्योंकि एक वैल्यू तो वापस आ सकती है रिजल्ट की, अगर दो वैल्यू चाहिए तो कैसा लाऊं, चार वैल्यू चाहिए तो कैसा लाऊंगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपको,
ये प्रोग्राम देखिए, ये प्रोग्राम में मैं क्या करना चाहता हूँ पहले ये समझ लें। इस प्रोग्राम में ये मेन प्रोग्राम है, इसमें मैंने एक इंटीजर एरे डिफाइन किया है एक्स 50 एलिमेंट्स का। वो 50 में कुछ मैं कभी 10 रखूँगा, कभी 15 रखूँगा। मैं m एलिमेंट्स रखना चाहता हूँ, तो पहले मैं m की वैल्यू पढ़ लूँगा इनपुट पे, फिर फॉर i इक्वल टू 0 टू m माइनस 1 एक इटरेशन लगा के एक्स i की वैल्यू पढ़ लूँगा, यानी एक्स 0, एक्स 1, एक्स 2 ऐसे आ जाएंगे। अब ये वैल्यू जो है, इसका जो मेमोरी लोकेशन है वो x नाम का जो एरे है वो यहाँ पे बाकायदा रहेगा। यहाँ पे एक्स 0 रहेगा, एक्स 1 रहेगा, चार चार बाइट्स के रहेंगे ये हर एक एलिमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, सॉल्ट एक्स कॉमा एम। मैंने समथिंग इक्वल टू सॉल्ट नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे जो चाहत है, मुझे कोई एक रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये एरे जो है वहाँ चली जाए फंक्शन में, उसके पहले एम एलिमेंट जो है मैंने भर रखे हैं, वो फंक्शन जो है वो उन एम एलिमेंट को ऊपर नीचे करके सॉल्ट कर दे और सॉल्टेड एरे जो है वो मुझे वापस भेज दे। सही है ना, मैंने सॉल्ट करी तो वापस भेज दिया, ताकि जब मैं अगर फॉर आई इक्वल टू 0 टू एम माइनस 1 अगर प्रिंट करूँ एक्स आई तो मुझे सॉल्टेड ऑर्डर में मिल जाए। तो मान लीजिए जो वैल्यूज हैं, मैं 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज लिखता हूँ। ये वैल्यू है 15 4 3 27, और एक और लिख देते हैं एक्स 4, ये लिख देते हैं लेट्स से 9। कितनी वैल्यूज हैं? 5। तो m की वैल्यू क्या हुई इस समय? 5, 0 1 2 3 4, 5 वैल्यूज है। सो m जो होगा यहाँ पे है, मान लीजिए m, उसकी वैल्यू हो जाएगी 5। अब आप देखें कि अगर जिस तरीके से हमने समझा है कि फंक्शन कॉल करने से क्या होता है कि जो भी आपके एक्चुअल पैरामीटर है वो कॉपी करके चले जाते हैं वहाँ, और कॉपी करके चले जाने के बाद में वहाँ पे जो काम करना है वो काम करके हम रिटर्न आ जाते हैं। कॉपी करेगा इस समय तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है इसकी वैल्यूज इसी तरीके से यहाँ पे ए होगा, ए 0, ए 2, ए 3, ए 4, और उसके बाद में हमने बोला है n। अब ये कैसे कॉपी होगा देखिए, सॉल्ट x यानी पहला x है जो एरे है, x जितना भी एरे है उसके वैल्यूज कहाँ कॉपी होंगे, x 0, x 1, x 2 ये कॉपी होंगे यहाँ। तो x 0 पे क्या जाएगा? 15। फिर x a 1 में क्या जाएगा बोलिए? 4। ए 2 में क्या जाएगा? 3। ए 3 में क्या जाएगा? 27। बराबर। ए 4 में क्या जाएगा? ए 4 में क्या जाएगा? 9। ए 5 में क्या जाएगा? स्लैश 0। वो जाता है अगर कैरेक्टर एरे हो और कैरेक्टर के आखिरी में हमने बैक स्लैश 0 लगाया हो और अगर उतने ही एलिमेंट पास करे तो। आप ये याद रखिए कि जब आप एरे पास कर रहे हैं तो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे के उतने सबके सब कॉपी होंगे उधर, भले आपने मीनिंगफुली उसमें कुछ रखा हो ना रखा हो। अगर कॉपी है तो कॉपी पूरी की पूरी होगी। तो ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे m तो यहाँ हो गया, ये x4 पे हमने वैल्यूज खत्म कर दी क्योंकि हमें 5 ही वैल्यू पड़ी, लेकिन मेमोरी खत्म हुई क्या एक्स एरे की? एक्स एरे की मेमोरी कहाँ तक जाएगी? x लास्ट एलिमेंट होगा 49, और इन मेमोरी लोकेशन में कुछ ना कुछ अप्रम तप्रम पड़ा होगा पहले का, हमने नहीं कुछ किया, वो सब अप्रम तप्रम जो है कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। आपको गरज हो ना हो, क्योंकि रूल क्या है, पूरा पैरामीटर कॉपी कर लें तो पूरा पैरामीटर कॉपी हो जाएगा, और ये कॉपी होने के बाद में
उसको एक और लोकेशन होगा जिसमें एन की वैल्यू होगी, जो यहां से आएगी पांच, ये यहां पांच आ जाए, ठीक है। अब ये आ गया यहां पे। अब इसके बाद हम खोलते हैं सॉल्ट एरे। तो एरे हम यहां पे सॉल्ट करेंगे, हमारा लॉजिक लिखेंगे सॉल्टिंग का जो भी है, फाइंड आउट मैक्सिमम, पुट इट इन द जीरो एलिमेंट, कुल पांच एलिमेंट है मिला जुला के। तो सॉल्ट करने के बाद में ए एरे में क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर तो आ जाएगा तीन, उसके बाद ये आएगा चार, उसके बाद आएगा क्या नौ, उसके बाद आएगा पंद्रह, और उसके बाद आएगा सत्ताईस। ये वैल्यूज कट जाएंगी, सॉल्व करेंगे तब उसकी जगह ये वैल्यूज आ जाएगी। अब हम यहाँ पे वापस आ गए, लेकिन वापस आने के बाद जब हम एक्स एरे को प्रिंट करेंगे तो क्या हमें ये चेंज वैल्यूज मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो मतलब काम नहीं हो रहा है मुझे जो चाहिए। यानी आप सोचिए प्रॉब्लम क्या है। नॉर्मली तो हमें अच्छा लगता है कि भाई फंक्शन को हमने पैरामीटर भेज दिए, उसने एक वैल्यू कैलकुलेट करके वापस कर, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो फंक्शन में जाए, रिटर्न वैल्यू भले कोई मतलब हो ना हो, लेकिन जो हमने पैरामीटर भेजे हैं उनमें अगर कुछ चेंज हो गया तो हमें वो चेंज चाहिए वापस। वो कैसे हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल है कि पैरामीटर्स खाली कॉपी होंगे, कुछ नहीं हो सकता इस सिलसिले में। तो अगर पैरामीटर कॉपी होंगे तो कॉपी वैल्यूज तो हमारे पास वापस नहीं आएंगी, तो हम कैसे कैसे हमारे ये वैल्यूज को चेंज करवाएं, कैसे ये वैल्यूज को यहां पे चेंज करवाएं। तो उसके लिए सी प्लस प्लस वाले का तरीका ये है कि भैया आप जब पैरामीटर भेजोगे तो ये पैरामीटर एक्चुअल वैल्यू तो आप भेजो ही मत, क्योंकि वो वैल्यू भेजोगे तो चेंज होके वापस नहीं आने वाली। लेकिन वो वैल्यू कहाँ कहाँ रखी है उस लोकेशन के एड्रेस भेज दो, और फंक्शन को बोल दो कि भाई मैं वैल्यू नहीं भेज रहा हूं, मैं एड्रेस भेज रहा हूं। अब आप जब ऑपरेट करोगे तो उन एड्रेसेस पे ऑपरेट करना, जाहिर है कि अगर वो एड्रेस यहां के है तो यहां पे ऑपरेट करेंगे। इसके लिए एक बढ़िया उदाहरण देना यह है, मान लीजिए तीन घर साथ साथ है, एक घर नंबर है एक, दूसरा घर नंबर है दो, तीसरा घर नंबर है तीन, तीनों घरों में कुछ सामान रखा हुआ, एक में ज़्यादा है, एक में कम है, एक में मंझोला, सामान की क्वांटिटी है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री। आप इसको सॉर्ट करके लाना चाहते हैं क्यू वन क्यू टू क्यू, आपने क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री कॉपी कर दिए उसके उधर के तीन घरों में फंक्शन, उसने वो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री सॉर्ट कर दिया, लेकिन वो वापिस आ गया तो आपके घर में तो जहाँ का तहीं माल रहा, वो चेंज नहीं हुआ। अगर मान लीजिए आपने वो फंक्शन को बुलाया और आपने कहा कि भाई मैं वैल्यूज नहीं भेज रहा हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ एड्रेस ऑफ हाउस नंबर वन, एड्रेस ऑफ हाउस नंबर टू, एड्रेस ऑफ हाउस नंबर थ्री, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ आप। अब जो आप सॉर्ट करोगे तो आप बोलेंगे कि क्या सामान सॉर्ट करना है, तो मैंने सामान तो भेजा नहीं। आप समझ लो कि जो मैंने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर जाके आप सॉर्ट करो, तो वो फर्स्ट हाउस की वैल्यू देखेगा, सेकंड हाउस की वैल्यू यानी मेरे यहाँ आएगा वापस, और हाउस नंबर मैंने दिए हैं तो हाउस नंबर में देखेगा, जाहिर है जो सॉल्टिंग होगा वो मेरे घर पे होगा, फिर वो वापस आ जाएगा। अब वो जब वापस आएगा तो अपने आप मेरे घर जो है सॉल्टेड मिल जाएंगे, यानी समहाउ मुझे कॉपी करके वैल्यूज भेजने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो वापस नहीं आने वाले, दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक। इंस्टेड इफ आई टेल दैट फंक्शन आई एम गिविंग यू एड्रेसेस ऑफ द लोकेशन, नाउ आई डोंट वॉन्ट दीज एड्रेसेस बैक, बट यूज दीज एड्रेसेस टू डू एनी वर्क दैट यू वॉन्ट, जो भी काम करना है एड्रेसेस पे करो। यानी मैं उसको डायरेक्शन बोल रहा हूँ, मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ, आपको अगर वैल्यू देखना है तो वो एड्रेस पे आके देखो, लेकिन इतना ख्याल रहे कि आप अगर कोई वैल्यू चेंज करोगे तो वो मेरे लोकेशन की रहेगी, अपने आप वो चेंज हो जाएगी। इसलिए जब भी हमें किसी फंक्शन से कोई पैरामीटर वापिस चाहिए तो ये जरूरी है कि हम वो पैरामीटर न भेजते हुए उसका एड्रेस भेज दें, अगर उसका एड्रेस भेज दें तो कंप्यूटेशन इस पर हो जाएंगे। यही एक तरीका है सी प्लस प्लस में कि फंक्शन से ज़्यादा वैल्यूज वापस लाने का, जैसे एरे हुई, ये तो 50 वैल्यूज वापस कैसे लाओगे आप, फंक्शन से तो एक ही वैल्यू रिटर्न होती, तो उसको एड्रेस भेजेंगे तो अपने आप वो एड्रेस पे काम करेगा, तो लॉजिकली अपनी वैल्यूज वापस आ गई मान लो, क्योंकि वो वैल्यूज कभी गई नहीं थी,
वो जो काम कर रहा था फंक्शन, वो अपने एड्रेसेस पे ही काम कर रहा था. इट वॉज वर्किंग ऑल द वाइल ऑन आवर. बट वी मस्ट नो हाउ टू सेंड द एड्रेस. एड्रेस कैसे भेजेंगे? आई नो फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेड हियर एम. इफ आई वॉन्ट टू सेंड द एड्रेस, हाउ विल आई सेंड द एड्रेस? ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल वेयर आई मे वॉन्ट टू डू द सेम थिंग. एक और एग्जाम्पल देखिए. स्वैप का मतलब समझते हैं आप? अदला बदली. मैंने एक फंक्शन लिखा स्वैप. उस फंक्शन के दो पैरामीटर है एक्स और वाई. मैं क्या करना चाहता हूं कि एक्स की जो वैल्यू है वाई में डालना चाहता हूं, वाई की वैल्यू एक्स में डालना चाहता हूं. ऐसा किया है आप लोगों ने, आपको मालूम है कैसे करना. एक टेम्पररी वेरिएबल लगा दिया मैंने, फ्लोट टेम्प. फिर टेम्प में एक्स की वैल्यू डाल दी, फिर एक्स में वाई की वैल्यू डाल दी, और फिर y में टेम की वैल्यू डाल दी. तो x की जगह y हो गया, y की जगह x हो गया. मैं रिटर्न कर दूंगा तो जब वापस जाऊंगा तो ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएंगे. लेकिन आज की तारीख में जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसमें क्या होगा? यहाँ पे देखिए लोकेशन है, ये a का लोकेशन है, ये b का लोकेशन. a की क्या वैल्यू है? 25.3. b की क्या वैल्यू है? -17.8. मैंने स्वैप कॉल किया. रूल के मुताबिक क्या होगा कि ये जो वैल्यूज हैं पैरामीटर्स की वो उधर जाएंगी. उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स क्या हैं? ये बोलिए, ये पैरामीटर है एक्स, ये पैरामीटर है वाई, और कोई होंगे तो होंगे. अब ये एक्स में क्या वैल्यू चली जाएगी? 25.3. वाई में क्या वैल्यू चली जाएगी? -17.8. बराबर, यहाँ तक तो ठीक है जो फंक्शन कॉल किया. अब यहाँ पे बोलेंगे फ्लोट टेम्प, तो ये टेम्प है. तो टेम्प में पहले x गया, यानी टेम्प में 25.3 आ गया. ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू y बोला, x इज इक्वल टू 25.3 है, उसकी जगह क्या हो जाएगा? -17.8. उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट y इक्वल टू टेम्प, तो y इक्वल टू टेम्प, टेम्प में 25.3 है, तो ये 25.3 आ गया. यानी देखिए अब तक जो है x और y की वैल्यू स्वैप हो गई वहां पे. अब मैं रिटर्न आया. रिटर्न आने के बाद मैं सी आउट ए और बी वगैरह छापूंगा, मुझे तो यही वैल्यूज मिलेंगी जो कि मैं नहीं चाहता. मैं चाहता हूं कि ये वैल्यूज बदल के आए, लेकिन सी प्लस प्लस में वैल्यूज बदल नहीं सकती. सी प्लस प्लस में वैल्यूज बदल नहीं सकती. अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता, जैसे मैंने बताया ना घर नंबर भेज दिए सामान उधर स्वैप करने के लिए. अब मान लीजिए इसका एड्रेस जो है वो 1000, और इसका एड्रेस क्या होगा फिर? 1000 1001 1002 1003. चार बाइट में एक वैल्यू आ गई फ्लोटिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000. ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको मैं
कुछ अलग तरीके से लिखूंगा, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा यहां। इसकी जगह मैं लिखूंगा कि भैया मैं आपको जो पैरामीटर भेज रहा हूं, वैल्यूज नहीं भेज रहा हूं, मैं आपको ये दो एड्रेस भेज रहा हूं, 1000 और 1004। तो यहां पे जाने के बाद में यहां पे 1000 आ जाएगा, यहां पे 1004 आ जाएगा, और मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मैंने ये फ्लोट नहीं भेजा, मैंने एड्रेस भेजे फ्लोट के, घर नंबर भेजे, पहला घर नंबर एक भेजा, दूसरा घर नंबर दूसरा भेजा। अब मैं आपको चाहता हूं कि ये जो मैंने घर नंबर भेजे इनमें अदला बदली करो आप। तो घर नंबर तो यहां पे पैरामीटर हो जाना चाहिए, पैरामीटर जो पहुंचेंगे वो घर नंबर पहुंचेंगे, जो 1000 और 1004 होगा। अब मैं किसी तरीके से इस फंक्शन को बता दूं कि ये जो एड्रेस है इनको नहीं चेंज करना, लेकिन इन एड्रेस पे जो चीजें रखी है उनको चेंज करना, तो नेचुरली जो चेंज होगा वो यहां पे हो जाएगा। जब रिटर्न आएगा तो ये एड्रेस मुझे वापस नहीं आएंगे, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे वैल्यू चेंज होके मिली। अब ये मैं, मुझे ये कैसे पता चले कि ए का एड्रेस क्या है, बी का एड्रेस क्या है, मैं कैसे एड्रेस भेजूं, और वहां पे एड्रेस लेने के बाद में उन एड्रेस के लोकेशन पे ये आदमी कैसे काम करे। तीन सवाल आते हैं, ये इन्होंने सवाल पूछा यहां XI की जगह मैं AI कर दूं। अब आप देख रहे हैं कि यह पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके सामने, यहां पे ए बोला है तो यहां पे ए बोल दे। कंपाइलर जो है इस फंक्शन को पूरी अलग तरीके से देखेगा, इसको अलग से कंपाइल कर देगा, फिर जब इसको कंपाइल करेगा तो उसको यह मालूम नहीं कि इसमें क्या नाम रखे आपने, उन नामों का इन नामों से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, सब अलग है। ये मान लीजिए जर्मन बोलता है, तेलुगु बोलता, तो यहां पर जर्मन में अगर ए लिखा है तो तेलुगु में ए नहीं होगा, वो तेलुगु में आपको अपने घर अलग बनाने पड़ेंगे। तो प्लीज रिमेंबर दिस, इंडिविजुअल फंक्शंस हैव देयर मेमोरी लोकेशंस एंड नेम्स विच आर नॉट नोन टू अदर फंक्शंस। एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन के बीच में अगर कोई ताल्लुकात होता है तो खाली फंक्शन कॉल के थ्रू होता है, और वही है मैकेनिज्म है कॉपी करने, तो इसलिए उसका नाम यूज करने से कुछ नहीं होगा। अब गूगल ही नहीं डाल सकते कंपाइलर आप, इनफैक्ट यहां पे अगर ए लिखेंगे तो कंपाइलर आपको गाली देगा, कौन है, सी आउट ए आई अगर आप लिखेंगे तो बोलेगा कौन है, क्योंकि ए तो आपने डिक्लेयर नहीं किया यहां पे। अगर आप यहां पे डिक्लेयर करते तो वो ए इस ए से अलग होता, वो ए की जगह अलग है इस ए की जगह, समझ गए ना, नाम देने से कुछ नहीं होता। एनीवे अभी इसको देखेंगे हमें क्या क्या करना है, जो अगर हमें पैरामीटर की वैल्यू वापस चाहिए तो हमें ये चाहिए कि जो हमारे लोकेशन है भाई ए और बी, उसके एड्रेसेस कैसे निकालें। हाउ टू फाइंड एंड सेंड How to find address and how to send address. Okay, ये main function. ये तो तय है कि हमें यहां पे इसके ए और बी के एड्रेस भेजने हैं, तो दो सवाल, एड्रेस कैसे हमें पता चलेंगे, हमें तो ये मालूम नहीं कि 1000 पे रखा है, 1004 पे रखा है, 5000 पे रखा है, कुछ भी नहीं मालूम। ओके, दूसरा, एड्रेस पता भी चल गए तो भेजेंगे कैसे, तो ये दो सवाल, हाउ टू फाइंड एंड सेंड एड्रेस। यहां पे आए, यहां पे अभी हम फिलहाल एक्चुअल वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, उसकी जगह हम चाहेंगे एड्रेस रिसीव करें, तो उसके लिए हम लिखा है हाउ टू रिसीव एड्रेस। और दूसरा, अगर एड्रेस आ भी गए तो उन एड्रेस को यूज करके यहां पे वैल्यूज किस तरह से मैनिपुलेट करी जाए, ये दोनों अगर अपने को सवाल के उत्तर मिल गए, अगर इसके लिए कोई फैसिलिटी हुई तो हम ये कर सकते हैं काम। इसके लिए C++ में
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी दी गई है, वो फैसिलिटी है पॉइंटर। आप ऐसे स्पेशल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जिनमें कोई वैल्यू नहीं रहती लेकिन उनमें एड्रेस रहते हैं। स्टार पी वन, स्टार पी टू, स्टार पी थ्री, स्टार पी फोर, ऐसा अगर डिक्लेयर कर दें हम, तो इसका मतलब पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर ये जो लोकेशंस हैं इनमें कोई भी मीनिंगफुल वैल्यू नहीं रहेगी, इनमें खाली एड्रेसेस रह सकते हैं, ऐसा हम बता रहे हैं। ये एक फैसिलिटी है कंपाइल। वो एड्रेसेस कहाँ से पता चलेगा? कोई भी एड्रेस कहीं भी हम कैसे पता कैसे करेंगे एड्रेस? तो पहले सवाल पूछते हैं, हाउ टू फाइंड एड्रेस। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालने के लिए एक स्पेशल ऑपरेटर है। तो पहले इसका जवाब देते हैं, आंसर्स। यहां पे चार सवाल लिखे हैं इसलिए इसको मैं लाइन से यहां पे तीन और चार कर देता हूं। पहला सवाल हाउ टू फाइंड एड्रेस, दूसरा सवाल हाउ टू सेंड एड्रेस, तीसरा सवाल हाउ टू रिसीव एड्रेस, और चौथा सवाल हाउ टू यूज एड्रेस। ओके, तो पहले सवाल का उत्तर है यूज स्पेशल ऑपरेटर एंड। एंड सिंबल तो मालूम है, ए एंड बी अगर लिखना है, ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, कैसे लिखते हैं, ए लेस देन ई बी एंड एंड सी लेस देन डी, ऐसा लिखते हैं। वो एंड एंड का एक यूज हुआ। दूसरा एंड का यूज ऐसा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वेरिएबल ए है, तो अगर मैं उसको एंड ए लिख देता हूँ, तो एंड ए का मतलब है एड्रेस ऑफ ए। किसी भी वेरिएबल के पहले एंड लगा दिया, वो उसका एड्रेस पता चल जाए। यहाँ पे ए का एड्रेस क्या था, 1000। तो अगर ए की वैल्यू 25.3 है या जो भी है, लेकिन एंड ए लिखूंगा तो उसकी वैल्यू 1000 आ जाएगी, मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ। अब आज की तारीख में 1000 आए, कल 20000 आए, मालूम नहीं, लेकिन जहाँ भी कंपाइलर ने रखा होगा वो एड्रेस मुझे मिल जाएगा। सो सी प्लस प्लस कैन कैलकुलेट द एड्रेस। ओके, नाउ कैन आई फाइंड आउट द कंटेंट्स एट एनी गिवन एड्रेस? अगर मेरे पास कोई एड्रेस है, उसके कंटेंट्स में कैसे निकालूंगा? ये पी वन, मान लीजिए पी वन में 1000 पी टू पी थ्री पी फोर है, ये पी फोर में कहीं से तो भी 1004 आ गया, कैसे आया मालूम नहीं। अभी मान लीजिए पी फोर में 1004 आ गया, इस सिलसिले में 1004 में क्या वैल्यू थी, -17.8। हमें 1004 से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए कि पी फोर में जो एड्रेस है उस एड्रेस में क्या रखा है। उसका रेफरेंस होगा यूज स्पेशल ऑपरेटर स्टार टू फाइंड कंटेंट्स। यानी अगर मैं ऐसा करूं, स्टार पी फोर ये कहीं रेफरेंस कर दूं, स्टार पी फोर, खाली पी फोर लिखता तो उसके अंदर 1004 एड्रेस,
मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, एड्रेस का मैं क्या करूँ। लेकिन अगर स्टार P4 लिखूंगा तो उसका मतलब कंपाइलर को पता चलेगा कि P4 में जो एड्रेस है उस एड्रेस में जो कंटेंट्स है वो मुझे बताओ। सो स्टार P4 इज कंटेंट्स ऑफ एड्रेस इन P4। समझ गया? एक तो वेरिएबल है ए, एंड ए का मतलब ए का जो एड्रेस है वो। दूसरा P4 जो वेरिएबल नहीं है, P4 में पॉइंटर है यानी एड्रेस है, वो जो भी कोई वैल्यू अगर मान लीजिए उसमें 1004 है तो उस एड्रेस में क्या चीज रखी है, स्टार P4। स्टार P4 मीन्स कंटेंट्स ऑफ एड्रेस इन P4। ये समझ गया? एक चीज वेरिएबल का एड्रेस निकालती है, दूसरी चीज दिए हुए पॉइंटर के कंटेंट्स निकालती है। ओके, अब आपको मैं कुछ यहां पे लिखता हूं वैल्यूज और आप बताएं कि वो सही है या गलत है। ये कंटेंशन है। मान ले मैंने ऐसा लिख दिया, स्टार बी। क्या मतलब हो जाएगा स्टार बी का? स्टार का क्या मतलब है? स्टार टू फाइंड कंटेंट्स ऑफ एड्रेस इन P4। स्टार बी मतलब फाइंड कंटेंट्स ऑफ एड्रेस इन बी। लेकिन बी में कोई एड्रेस है क्या? नहीं है, तो स्टार बी बिल्कुल मीनिंगलेस है, गलत है। ओके, रॉन्ग। एंड P1 क्या मतलब हुआ? एंड टू फाइंड एड्रेस, इट विल फाइंड एड्रेस ऑफ व्हाट? एड्रेस ऑफ P1। ये P1 मान लीजिए 17,500 पे है तो हमें P1 का एड्रेस मिल जाएगा। P1 में खुद एक एड्रेस है, उस एड्रेस का एड्रेस लेके हम क्या करेंगे? हालांकि ये मीनिंगलेस नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन इट इज नॉट मीनिंगफुल। इट इज लीगली राइट बट इट हैज नो सेंस, सो इट डज नॉट मेक सेंस। अब मैं ऐसा लिखता हूं, स्टार एंड ए। हाँ, क्यों आएगा? इसका मतलब जो है, स्टार और एंड एक साथ तो कुछ मतलब ही नहीं रखते। एंड ए है यहां पे, एंड ए का क्या मतलब हुआ? एड्रेस ऑफ ए, और स्टार ऑफ दैट एड्रेस मीन्स कंटेंट्स ऑफ दैट एड्रेस, यानी ये यही हो गया। ये अगर आप समझ गए तो पूरा माजरा पॉइंटर्स का समझ गए। अब समझने के बाद इसको यूज कैसे करना, यूज कैसे किया जाए, ये देखते हैं अपन इस सिलसिले में यूज कैसे करना इसको। अब ये देखिए, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा था स्वैप वाला, इस स्वैप वाले प्रोग्राम को मैं चेंज करता हूं। अब मैं क्या चेंज करता हूं? पहले हमने ये पैरामीटर्स भेजे थे ए और बी उस फंक्शन को, अब हम बोलते हैं कि हम पैरामीटर्स नहीं भेजेंगे आपको, उसके एड्रेस भेजेंगे। कैसे एड्रेस भेजे जाए ए और बी के? एंड ए एंड बी। एंड ए एंड बी बोल दिया तो एड्रेस चले जाएंगे। अब यहां पे जो लोकेशंस होंगे दो, ये रिसीविंग लोकेशन बोलते हैं, यहां पे ए और बी की वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैं एड्रेस भेज रहा हूं, एड्रेस ही चाहिए मुझे यहां पे। तो ये फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि आने वाले लोग एड्रेस है या कंटेंट्स है? पॉइंटर आने वाला है मेरे पास, पॉइंटर का क्या नोटेशन है? फ्लोट स्टार एक्स, फ्लोट स्टार वाई, यानी पॉइंटर आया मेरे पास तो यहां पे जो जगह बनेगी वो पॉइंटर की जगह बनेगी, पॉइंटर फॉर एक्स
पॉइंटर फॉर वाई, बराबर कैसे बराबर? पॉइंटर आना चाहिए तो पॉइंटर का क्या नोटेशन है वहां पर? एंड होना चाहिए या स्टार होना चाहिए? कंफ्यूजन यहां पे क्या होगा? टेम्प तो ठीक है लेकिन एक्स जो है, एक्स को हमें पॉइंटर मिला है तो उसकी वैल्यू हमें चाहिए, यहां पे स्टार होना चाहिए। यहां पे स्टार एक्स इक्वल टू स्टार वाई होना चाहिए और यहां पे स्टार वाई इक्वल टू टेम्प होना चाहिए। इसका मतलब हमें एड्रेस आए हैं, उन एड्रेस पे जाकर डायरेक्टली काम करो। भेजे हमने एड्रेस, एड्रेस ऊपर गए, यहां पे एड्रेस पे काम हुआ, वापस आ गए। अब यहां पे खाली एक सवाल है, यहां पे मैं स्टार लिखूं या एंड एक्स लिखूं, एंड वाई लिखूं? ये दिस हैज टू डू विद द रूल, देयर इज नथिंग टू विद द लॉजिक। व्हाट इज द सी प्लस प्लस रूल टू से दैट आई विल बी रिसीविंग अ पॉइंटर? फॉर दैट यू यूज द डेफिनेशन ऑफ द पॉइंटर, इंट स्टार पी वन, इंट स्टार पी टू, and you will write star there. Now here is a special rule in C++. Agar aap array bhejte hain, koi si bhi array, badi array bhejte hain, to kabhi bhi array elements copy nahi kiye jate, kabhi bhi nahi. By definition, us lambe array ki zeroth element ka jo starting address hai, wo address hi bheja jata hai. Bhale aap usko and likhe na likhe, आप खाली एरे का नाम लिखेंगे फिर भी एरे का जीरो एलिमेंट का एड्रेस ही जाएगा। तो अगर इस तरीके से हमने एक, अगर यहां पे फंक्शन लिखा है, यहां पे कोई सा तो भी इंट मेन किया हमने, और जैसे हमने यहां पे लिखा था सॉल्ट, आपको याद है ये एरे थी फ्लोट एक्स 50। जब भी हम एरे यूज करते हैं और उस एरे के नाम को पैरामीटर में डाल देते हैं तो कभी भी एरे कॉपी नहीं होती, खाली उसके जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस कॉपी होता है। अगर उस फंक्शन में सॉल्ट में हमने लिखा है फ्लोट ए 50, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है एरे, तो एरे का मतलब ही यह है कि जैसे ही कंपाइलर को पता चलता है ये एरे है, वो कॉपी नहीं करता एलिमेंट्स, वो उस ए 50 की जगह पे खाली एक लोकेशन बोल देता है, एड्रेस ऑफ ए 0, दैट्स ऑल, उसके लिए जगह रख देता है। यहां अभी ये एक्स की इतनी लंबी चारी फेरिस्त होगी, 1000, 1004, 1008, 1012 सब ऐसे एलिमेंट्स होंगे। तो मान लीजिए 1000 से शुरू होता है तो इसमें खाली 1000 चला जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, कोई कॉपी नहीं होगी। और इसके अंदर जब भी मैं A5 बोलूंगा, AI बोलूंगा, AJ बोलूंगा, तो वो क्या करेगा कंपाइलर, वो ये बेस एड्रेस लेके AJ A5 A7 की वैल्यूज कैलकुलेट करेगा। यानी कहाँ पर काम करेगा वो? यहाँ पर काम, जैसे अपने पॉइंटर देके होता है। ऐसा क्यों करता है कंप्यूटर, C++ कंपाइलर? मान लीजिए आपकी 10,000 एलिमेंट की एरे है, अगर नॉर्मल रूल से कॉपी करे तो दो चीजें हो जाएंगी, एक तो 10,000 एलिमेंट की एरे उधर डिक्लेयर करो फंक्शन में, और दूसरी किसी ने भी फंक्शन कॉल किया तो 1, 2, 3, 4, 10,000 वैल्यू कॉपी करो, वहां पर टाइम जाएगा, जगह जाएगी। तो इसलिए एरे के बारे में C++ में तय कर लिया है कि आप कुछ करें ना करें, C++ अपने आप एरे का एड्रेस ही भेजेगा। अब एरे के तो कई एलिमेंट हैं, कौन सा एड्रेस भेजेगा? शुरू के एलिमेंट का, जीरोथ एलिमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस, उसको कहा जाता है बेस एड्रेस। ये जो अपन ने मैकेनिज्म देखा अभी, किस तरह से एड्रेस कैलकुलेट करें, उसको भेजे, किस तरह से कंटेंट्स यूज करें उसके एड्रेस के, और वापस अपने यहाँ स्वैप होके आ जाए वापस वैप, उसी तरह अगर एरे हुआ तो ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस भेज दिया जाता, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग। ऑफ कोर्स इफ यू वांट
You can always say here, instead of salt x, you can say and x 0. What is and x 0? X 0 wale element ka address, which is same as saying x, no difference. Compiler ye x ko apne aap translate kar deta is address mein aur address bhej deta. Aur yahan pe jab bhi aap array likhte hain, to uska matlab hi star x a 0 aisa ho jaye apne aap. Array ke bare mein ye apne aap hota hai, variables ke bare mein nahi hota. Isliye variables ke bare mein aapko actually likhna padta hai, address aur point. Theek hai? I would like you to understand the notion of using pointer arithmetic. But that pointer arithmetic work, I want you to study at home and come prepared with some preparation. So I will give you a quiz on pointer arithmetic. Okay. Maan lijiye, ek sawal aapko puchta hu. ये फ्लोट एरे है, x0, x1, x2 ऐसे एलिमेंट्स हैं. मान लीजिए मैंने एक डिक्लेयर कर दिया पॉइंटर इस प्रोग्राम में ही, फ्लोट स्टार p, यानी p पॉइंटर हो गया, ये कोई से तो भी p के लिए जगह आ जाएगी. ओके, अब मान लीजिए मैंने p को असाइन कर दिया, p इज इक्वल टू एंड x0. ये x50 है अरे, p में x0 आ गया, x0 का एड्रेस आ गया. x0 का एड्रेस क्या है मुझे पता नहीं, चलिए मान लेते हैं 1000. तो ये p में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा. अब अगर मैं उसको बोलूं सी आउट स्टार p, तो क्या छपेगा, एक्स जीरो के वैल्यू. तो मान लीजिए एक्स जीरो के वैल्यू अगर 3.8 है तो 3.8 छपेगी, बराबर. यहां तक तो सही है, कॉमन सेंस. अब मैं कुछ तो ही मजा करता हूं, p इज इक्वल टू p प्लस वन, सी आउट स्टार p. मैं क्या कर रहा हूं, p में एक ऐड कर रहा हूं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 की जगह 1001 होना चाहिए कायदे से, नहीं होगी, नहीं होगी. क्यों मैं बताता हूं क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये पी पॉइंटर है. तो पॉइंटर को पहली बात तो गुणा भाग करने में तो कोई मतलब ही नहीं है पॉइंटर का. पॉइंटर को हम खाली ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, और पॉइंटर को ऊपर नीचे कैसा कितना खिसका सकते हैं, उतना खिसका सकते हैं जितना उस एलिमेंट को बाइट्स लगते हैं, जरूरी नहीं चार. अगर कैरेक्टर पॉइंटर हो तो एक ही बाइट किसके. p इक्वल टू p प्लस वन का मतलब क्या है, कि पहले p जिस चीज को पॉइंट कर रहा था उसका नेक्स्ट उसी जात भाई का एलिमेंट जो है वो कहां पे है. p किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, ये फ्लोट है, यानी मुझे मालूम है 1000 एड्रेस में क्या है मुझे मालूम नहीं वैल्यू, लेकिन 1000 में कोई तो भी फ्लोट वैल्यू रखी है इतना मालूम, देयर सम फ्लोट वैल्यू इन दैट एड्रेस आई नो. When I say p equal to p plus 1, I am telling the compiler, please increment the pointer to the next float value. Current float value 4 byte lenge, to ye p equal to p plus 1 mein 1000 ki jagah 1004 ho jayega apne aap. Aur ye compiler ko kaise pata chalega, kyunki yahan pe maine float star p likha. Ye agar float nahi likhta, character star p likhta, to character ki kitni ek byte rehti hai, एक बाइट से बढ़े. इंट स्टार पी लिखता, चार बाइट से बढ़ता. शॉर्ट इंट स्टार पी लिखता तो दो बाइट से बढ़ता. यानी हर पॉइंटर की एक स्पेसिफिक जात होती है, सभी पॉइंटर समान नहीं होते. कुछ पॉइंटर फ्लोटिंग पॉइंट होते, कुछ पॉइंटर इंटीजर होते, कुछ पॉइंटर कैरेक्टर होते, और उसका जो जात धर्म है वो डिक्लेयर करना पड़ता है. द टाइप ऑफ पॉइंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन यू डू पॉइंटर अरिथमेटिक, the arithmetic is done with respect to that type of value. You can add or subtract, you can do everything on the point.
यू कैन सी दैट अर्लियर आई यूज टू से फॉर आई इक्वल टू जीरो टू एम डू समथिंग व्हाट आई वाज सेइंग एक्स आई ओके इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन डू माई पॉइंटर अरिथमेटिक एंड डू ए वेरी फैंसी स्टफ हियर. ये मैंने डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे ऐसा और ये भी डिक्लेरेशन है. अब इसके इसके अनुसंग से मैं ऐसा लिखता हूं देखिए मैं क्या तमाशा कर रहा हूं. ये डिक्लेरेशन कर दिया मैंने फ्लोट स्टार पी, ये एरे का डिक्लेरेशन है. मैं शुरू करता हूं पी इज इक्वल टू एंड एक्स जीरो, यानी एक्स जीरो का एड्रेस पी में आ गया. अब मैं लिख रहा हूं फॉर आई इक्वल टू जीरो टू एम कुछ तो भी छापो. क्या छापो? स्टार पी प्लस आई. आई की वैल्यू जीरो रहेगी तो इसका मतलब रहेगा स्टार पी, यानी एक्स जीरो की वैल्यू छप गई. आई इक्वल टू वन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? स्टार पी प्लस वन. पी प्लस वन मैंने 1004 तो एक्स वन की वैल्यू प्रिंट होगी. तो जैसे जैसे आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 बढ़ती जाएगी वैसे मैं अरे एलिमेंट 0 1 2 3 4 छपता चला जाऊँ. यहाँ पे कहीं भी मैंने अरे नहीं लिखा लेकिन जो छप रहा है वो अरे के एलिमेंट्स है क्योंकि मैंने जीरो एलिमेंट कैप्चर कर लिया. दिस इज वन वे ऑफ यूजिंग पॉइंटर. दिस इज कॉल्ड पॉइंटर अरिथमेटिक. And this using these pointers, you can do lot of very funny looking coding. Usually, because array elements are guaranteed to occupy successive locations, pointer arithmetic is very useful in such situations. अगर दो अलग अलग variable है, integer भी है, floating point भी है, आपने एक के बाद एक उनको define किया है, कोई जरूरी नहीं कि उनके एड्रेस एक के बाद एक आए. एक्चुअल एड्रेस अलोकेशन कुछ भी कर सकता है, कंपाइलर करेगा. लेकिन अगर एरे डिक्लेयर किया है तो एक गारंटी है. कंपाइलर गारंटीज दैट व्हेनेवर यू हैव डिक्लेयर्ड एन एरे ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे विल बी गिवन कॉन्सिक्यूटिव लोकेशंस ओनली. दैट इज गारंटी. सो यू कैन यूज डू सच थिंग. ठीक है. ओके फाइन. थैंक यू.